गांव की गलियों में रात के अंधेरे में दूधिया रोशनी बिखेरने वाली स्ट्रीट लाइट्स और सोलर लाइटें लगाई गई। मकसद रहा कि शहरों की तर्ज पर गांव गिराव की सड़कों पर ये लाइटें उजाला बिखेरेंगी, तो वहीं चोर उचक्कों पर अंकुश लगेगा, लोगों को लाइट की व्यवस्था नहीं करनी होगी। योजना के तहत गांव-गांव में स्ट्रीट लाइट लगाने में लाखों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन चंद दिनों बाद ही गांव की गलियों के विद्युत पोल पर लगी स्ट्रीट लाइट और तिराहा चौराहों के सोलर लाइट गायब हो गए। भ्रष्टाचार के चलते योजना फलीभूत नहीं हो सकी, इससे गांव की गलियों में पहले की तरह अंधेरा कायम रहता है। शाम ढलते ही चोर उचक्कों का गिरोह सक्रिय हो जाता है। योजना जिला पंचायत के द्वारा धन स्वीकृत हुआ। गांव की गलियों के साथ ही मुख्य मार्ग के तिराहे चौराहे जगमगाए। वहीं वार्ड 34 के जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर नजाकत अली से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये लाइट ज्यादा टिकाऊ नहीं थी। आगे उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। 50-60% लाइटें जो है वो जल रही हैं, बाकी जो है इनके कनेक्शन सही नहीं हो पाए हैं। और मैंने जब उससे बात करी है तो वो बहुत ही जल्दी आके इन्हें सही करेगा, और मैंने माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी से ही बात कर ली है, तो शायद 1-2 दिन में ये सही हो जाए। अच्छा, तो क्या वजह रही होगी जो उनके कनेक्शन खराब हो गए, क्या लाइटें फूक गई? इस पर कार्बन आ जाता है। अच्छा, बहुत अच्छी क्वालिटी। सुनने में ये भी आया कि लाइटें फूक भी गई हैं कुछ इसमें से। जो फूकी हैं वो तत्काल नहीं लगाई जानी, इसकी 2 साल की गारंटी है। अच्छा हाँ, और ये हमने 6 ग्राम पंचायतों में लगाई है, क्योंकि हमारे 31 गाँव हैं और हमें जो है 80 लाइटें मिली थी। अच्छा, कुल 3-3 लाइट आ रही थी, इसलिए हमने जो है 6 ग्राम पंचायतों में लगवा दी। बाकी प्रयास कर रहे हैं हम, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ भी जाएंगी बाकी और भी गाँवों में। हमारा मकसद ये है कि हर गांव में रोशनी होनी चाहिए चौराहों पे, और जो ताकि रात में आने जाने वालों को परेशानी ना हो। ठीक। साथ ही ग्राम प्रधान गुलाड़िया, सीकमपुर पांडे, मिलक गुड़ालिया, कांकरखेड़ा सहित दर्जनों गाँव में लाइट रखरखाव और मरम्मत के अभाव में शोपीस बन गई, लेकिन उनकी देखभाल की मरम्मत और व्यवस्थाएं नहीं है। लेकिन उनके देखभाल के लिए यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है।